युवाओं और महिलाओं के लिए शिवराज सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है। किसानों और श्रमिकों के लिए भी सरकार अभिनव प्रयोग कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं कर रही है। विंध्य की धरती से खिलाड़ियों को तराशने के लिए सरकार ने रीवा में इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनाया है। 12 एकड़ में फैले इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बनाकर सरकार ने खिलाड़ियों को वो तमाम सुविधा दी है जिसकी उन्हें जरूरत है। यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विंध्य सहित पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों को एक पहचान देगा, ताकि वह अपने खेलों का जौहर देश और विदेशों तक दिखा सके। रीवा में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है, लगभग एक महीना हो गया इसको हमने अभी चालू किया हुआ है, और इसमें स्पोर्ट्स की आउटडोर गेम्स में हमने 400 मीटर ट्रैक का फुटबॉल ग्राउंड बनाया हुआ है, और इंडोर गेम्स में हमारे पास में जिम है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए भी विशेष जिम बनाया है। ऊपर से फिर मार्शल आर्ट जो हॉल बनाया उसमें हमारे इंडोर गेम्स कराए जाते हैं, जैसे कराते हैं, अभी जूडो है और ताइक्वांडो है और रेसलिंग का भी हमारा प्लान है। उसके बाद में अभी हमारी कबड्डी भी इंडोर में ही चल रही है। इसके बाद हमने टेबल टेनिस और बैडमिंटन को भी इम्प्रूव किया है इसमें। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की डिजाइन रोम के कोलोसियम से लिया गया है। यह कॉम्प्लेक्स बेहद सुंदर और भव्य है। 12 एकड़ में फैले इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों को कई सुविधाएं मिलेंगी। एथलेटिक्स ट्रैक, फुटबॉल मैदान के अलावा कई इंडोर खेलों के कोर्ट शामिल हैं। बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, इनको खिलाड़ी प्रशिक्षण कल्याण समिति के माध्यम से हम संचालित करते हैं। पे एंड प्ले स्कीम है, तो जो खिलाड़ी है वो बहुत नॉमिनल चार्जेस में हमारे इंफ्रा को यूज कर रहा है। अगर मैं मोटे तौर पर बात करूँ तो बॉयज के लिए जो जिम बना रखी है वो 250 रुपीस पर मंथ है, और यही तरीका महिलाओं के लिए भी है। उसमें महिलाओं को बेनिफिट ये है कि उसमें जिम के साथ साथ उनको योगा और मेडिटेशन का भी हम अभ्यास कराते हैं। बाकी बैडमिंटन की जो सुविधा है वो हमने बहुत ही नॉमिनल चार्ज में 500 रुपया रखा हुआ है, और प्लेयर अगर है वो प्लेयर बैकग्राउंड का है, और जो नॉमिनल है तो वो 700 रुपीस है। और एथलेटिक्स में हमने 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ का कुछ चार्ज रखा हुआ है। वॉकिंग और एथलेटिक के जो बच्चे हैं इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, और कम्फर्ट है। शिवराज सरकार ने पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे में काफी निवेश किया है। प्रदेश में कई जगहों पर अकेडमी शुरू की गई है। इसका नतीजा यह रहा है कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अब देश और विदेश में अपनी खेल प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं।